तेजी से बदलते हुए दौर और नए टेक्नोलॉजी के करिश्मों के दरमियान स्टेट सिक्योरिटी भी तेज तरक्की कर रही है। हाल ही में चीनी सदर शी जिनपिंग की सिक्योरिटी सर्विस ने एक अहम ऐलान किया जो पूरी दुनिया में हैरानी का सबब बना। आने वाले वक्त में चाइना के लीडर के एलीट बॉडीगार्ड्स के साथ रोबोटिक ह्यूमनॉइड्स भी हिफाजत के लिए तैनात किए जाएंगे। ये खबर पहले ही मुख्तलिफ बहस और कयास आरायों को जन्म दे चुकी है। सवाल उठ रहा है कि कौन से रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर दुनिया के एक अजीम लीडर की हिफाजत करेंगे। फिलहाल इस बारे में रस्मी तौर पर बहुत कम मालूमात दी गई है। ना तो डेवलपर कंपनी का नाम सामने आया है और ना ही स्पेसिफिक मॉडल्स का जिक्र किया गया है, मगर तजजिया करने वाले ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये रोबोट्स शायद यूनिट्री कंपनी के हो सकते हैं जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और तेज तरक्की के लिए मशहूर है। ये रोबोट्स असल में क्या करेंगे? क्या ये मुसल्लह आर्म्ड होंगे या इनका असल काम सिर्फ थ्रेट एनालिसिस और फेशियल रिकॉग्निशन होगा? ये सवालात अभी तक जवाब के मुंतजिर हैं, मगर एक बात बिल्कुल वाजह है, तारीख में पहली दफा किसी सदर की हिफाजत सिर्फ इंसानी बॉडीगार्ड्स नहीं बल्कि रोबोटिक मशीनें भी करेंगी जो हाईटेक सिक्योरिटी के नए दौर का आगाज है। चाइना रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को लॉ एनफोर्समेंट के लिए बढ़ावा देने में मुसलसल तरक्की कर रहा है। हाल ही में एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट मुकर्रर किया गया है जो सड़कों पर पेट्रोल करेगा और पब्लिक ऑनऑर्डर बरकरार रखने में मदद देगा। ये रोबोट इंसानी शक्ल से मुशाबे हैं और एडवांस्ड सेंसर कैमरा और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मुसल्लह है। ये चेहरे पहचान सकता है, लोगों के रवैये का तजजिया कर सकता है और रियल टाइम डेटा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों तक पहुंचा सकता है। ये रोबोट दो मैकेनिकल टांगों पर चलता है जो इसे शहरी माहौलात में आसानी से काम करने के काबिल बनाती है, यानी कि ये सीढ़ियां चढ़ सकता है और अनइवन सरफेस पर भी हरकत कर सकता है। इसका जिस्म मैकेनिकल डैमेज से महफूज बनाया गया है जबकि इसमें मौजूद बिल्ट इन एल्गोरिदम्स इसे रुकावटों से टकराने से बचने की सलाहियत देते हैं। एक और शानदार तरक्की रैना सीरीज का हाइपर रियलिस्टिक रोबोट है जिसे कोआ कहा जाता है। यह रोबोट इंसानी रवैये और जज्बाती समझ को बेमिसाल सही तरीके से नकल करने के लिए तैयार किया गया है। कोआ की शक्ल और सूरत इतनी हकीकी है कि गुफ्तगू करना बिल्कुल फितरी और आसान महसूस होता है। यह रोबोट मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करने की सलाहियत रखता है जो इस्तेमाल करने वालों के साथ गहरी और पुरअसर मुलाकातों का एहसास पैदा करता है। इसके अलावा एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोआ को मुश्किल समाजी इशारों को समझने और उनके मुताबिक जवाब देने की काबिलियत फराहम करती है जो इसे मुकालमे में इंतहाई मुताबिकत बना देती है। यह सिर्फ गुफ्तगू नहीं करता बल्कि अपने मुकालमे साथी की जज्बाती कैफियत का तजजिया भी करता है और सूरत हाल के मुताबिक जवाब अपनी बातें बदल लेता है जिससे मुकालमे और भी असरदार और मुख्तलिफ हालात में मुताबिक बन जाता है। आखिरकार चीनी कंपनी इंजन का ह्यूमनॉइड रोबोट PM01 रोबोटिक्स के फील्ड में एक और काबिल जिक्र इन्वेंशन है। AI तेजी से प्रोग्रेस कर रही है और हाल ही में इसने हैरतअंगेज डांस स्किल्स का मुजाहिरा किया है जिसमें मुश्किल कोरियोग्राफी एलिमेंट्स को इंतहाई दुरुस्ती और हमाहंगी के साथ अंजाम दिया गया है। PM01 रोबोट जो 24 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मुजयन है बेमिसाल लचक नरम हरकत और डायनामिक डांस कॉम्बिनेशन अंजाम देने की सलाहियत रखता है। यह रोबोट 1.8 मीटर लंबा और 40 किलो वजन रखता है जबकि इसका मजबूत एल्यूमिनियम एक्सोस्केलेटन इसकी मैनुवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है खासकर मुश्किल हरकतों के दौरान। एडवांस्ड कंट्रोल एल्गोरिदम्स एंड प्रिसाइज मोटर फंक्शंस की वजह से PM01 अपनी हरकतों को म्यूजिक के साथ हमाहंग कर सकता है, रिदम को समझ सकता है और यहां तक कि एक डांस पार्टनर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। ऐसा लगता है कि रोबोटिक डांस की दुनिया में अब एक नया मुकाबला सामने आ गया है और यह है चीनी कंपनी यूनिट्री के G1 रोबोट के लिए जो पहले ही अपनी नर्म हरकत और बेहतरीन हमाहंगी से देखने वालों को मुतासिर कर चुका है। 2025 के आगाज में हांगकांग के एक मसरूफ शॉपिंग मॉल में एक इवेंट ने सिर्फ वहां के मेहमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच ली। इस इवेंट में यूनिट्री के तैयार किया हुआ एक ग्रुप ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक हमाहंग डांस परफॉर्म किया जो सिर्फ टेक्निकल प्रोग्रेस का मुजाहिरा नहीं था बल्कि इंसान और मशीन के दरमियान एक नए डायमेंशन का इजहार भी था। ये रोबोट्स जो G1 और H1 मॉडल्स कहलाते हैं पहले ही चाइनीज न्यू ईयर गाला में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद शोहरत हासिल कर चुके थे जहां इन्होंने बेमिसाल दुरुस्ती के साथ एक रिवायती चीनी डांस अंजाम दिया। इस इवेंट के बाद इनकी मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हुआ जो सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में इस पर गुफ्तगू होने लगी। इन रोबोट्स की डांस करने की सलाहियत एडवांस्ड AI एल्गोरिदम्स एंड प्रिसाइज इंजीनियरिंग की वजह से मुमकिन हुई जो इन्हें हैरतअंगेज नरमी और हमाहंगी के साथ हरकत करने देती है। शॉपिंग मॉल्स जैसे पब्लिक मकामात पर इन डांसिंग रोबोट्स की मौजूदगी सिर्फ टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस का मुजाहिरा नहीं करती बल्कि तफरीह, बातचीत और रोजमर्रा इंसान और टेक्नोलॉजी के दरमियान नए ताल्लुक भी पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। चीनी कंपनी AI बॉट ने एक और वीडियो जारी की है जो इसके नए रोबोटिक ह्यूमनॉइड की तरक्की को दिखाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI बॉट रोबोटिक मशीनों में इंटीग्रेट करके इन्होंने मुख्तलिफ रोजमर्रा के काम सीख लिए हैं जिनमें सैंडविच बनाना भी शामिल है। ये रोबोट सफाई कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं और घर के मुख्तलिफ कामों में मदद दे सकते हैं। कंपनी के रोबोट्स एक इंसानी शक्ल और सूरत वाले डिजाइन के साथ तैयार किए गए हैं
जो उन्हें इंसानों के लिए बनाए गए माहौल में बेहतरीन तौर पर इंटरेक्ट करने की सलाहियत देते हैं। ये सिर्फ छोटी मैनिपुलेशंस नहीं बल्कि मुश्किल ऑपरेशंस भी अंजाम दे सकते हैं, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और तालीम जैसे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI बॉट के ये रोबोट एक अहम कदम है जो रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने के नए हल फराहम करते हैं। इनकी सीखने और नए हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत इन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में मददगार बनाती है। चोंगकिंग, जो चीन के बड़े शहरों में से एक है, में एक मैराथन मुनक़िद हुई जो सिर्फ दौड़ने वालों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज बनी। मैराथन के रास्ते के दौरान तमाशाइयों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एयर इंटेलिजेंट रोबोटिक डॉग्स अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करते नजर आए, जो इस रिवायती स्पोर्ट्स इवेंट को एक फ्यूचरिस्टिक टच फराहम कर रहे थे। ये रोबोट्स, जो चीन की एक लीडिंग रोबोटिक्स कंपनी ने तैयार किए थे, मैराथन के दौरान आम लोगों के सामने पेश किए गए ताकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का मुजाहिरा किया जा सके। इनका इस इवेंट में हिस्सा लेना चीन की इस अज़्म का एक निशान था कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को रोजमर्रा जिंदगी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल किया जाए। चोंगकिंग मैराथन में रोबोट्स की शिरकत एक रोशन मिसाल बनी कि किस तरह इनोवेशन रिवायती इवेंट्स को और बेहतरीन बना सकती है। शेंजेन ओकाफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स ने गियो 5 रोबोटिक डॉग को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इक्विप किया है ताकि यह सिक्योरिटी और सर्विलांस के काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके। यह रोबोटिक गार्ड उन जगहों पर सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत रखता है जो हाई रिस्क एनवायरमेंट्स में शामिल हैं, जिससे फैसिलिटीज और इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हरकत के लिए यह रोबोट अपनी लिम्ब जॉइंट्स में 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करता है, जो इसे बेमिसाल मैन्युएबिलिटी फराहम करती है। यह 45 डिग्री तक ढलानों को पार कर सकता है, 120 किलो तक का लोड उठा सकता है और 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तक पहुंच सकता है। ऑटोनॉमस ऑपरेशन और ऑपरेटर के साथ इंटरेक्शन के लिए यह रोबोट वॉइस कंट्रोल और एक कमांड रिकॉग्निशन सिस्टम का भी सपोर्ट रखता है। एक ताकतवर बैटरी की वजह से जो 2.5 से 4 घंटे तक का ऑटोनॉमस ऑपरेशन फराहम करती है, जो 5 लंबे पेट्रोल्स अंजाम दे सकता है। इसके अलावा जियो 5 को गैस सेंसर्स, थर्मल सेंसर्स और दूसरे डिटेक्शन सिस्टम से भी मुहैया किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक देना मत भूलिए। अगली दफा मुलाकात होती है।